आज सोपोर में एक मिस्टीरियस ब्लास्ट जो है वो पेश आया, जिसमें चार लोगों की जो है इसमें मृत्यु जो है वो हुई है। फिलहाल इसको लेकर एसएसपी दिव्या का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये वाकया जो है पेश आया है और फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है वो भी आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इसमें उनका जो है क्या कुछ कहना है। हाउस बिलोंग्स टू अब्दुल रफीक पर, तो इसमें चार लोगों की कैजुअलिटी हुआ है। मेनली ये स्क्रैप डीलिंग करते थे, इन्होंने लद्दाख से कुछ माल लेके आया है, स्क्रैप है सारे, तो उसी में ट्रक से अनलोड कर रहे थे। उसी समय अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया, तो इसी में कैजुअलिटी हुई है। नसीर अहमद नादरू, आजिम अशरफ मीर, आदिल राशिद भट्ट एंड मोहम्मद आजम, सारे शेखपुर में रहने वाले। इनकी क्या एज थी, कुछ लोग ये बता रहे छोटे बच्चे? इसमें आदिल का एज है 45 प्लस है और आजिम, आदिल, मोहम्मद, अजहर सारे 20 प्लस है, 23 ईयर्स, 26 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। क्या इस एरिया को सैनिटाइज किया गया है? अभी सैनिटाइजेशन चल रहा है, हमें एवैक्यूएट कर दिया है, यहाँ पर हमारा टीम अभी पहुँचने वाला है, बाकी केस रजिस्टर। तो आपने साफ तौर पर सुना कि एसएसपी दिव्या का इस पर क्या कुछ कहना था, जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये स्क्रैप जो है डीलिंग करते थे और माल जो है लद्दाख से यहाँ पर लाया गया था, और ये भी बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि जब इसकी अनलोडिंग की जा रही थी और उसी दौरान जो है ये ब्लास्ट पेश आया, जिसमें चार लोगों की जो है इसमें जान चली गई। हालांकि इस पूरे मैटर में इन्वेस्टिगेशन जो है वो फिलहाल इन दी प्रोसेस है, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। फिलहाल आपको बता दो, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया, जिस तरह से इन ऑफिशियल का भी कहना था। और फिलहाल जो वहां पर इन चार लोगों की बात करें तो नजीर अहमद नादरू बताए गए हैं और आजिम अशरफ मीर बताए गए हैं, जो कि सन ऑफ मोहम्मद अशरफ मीर, आदिल रशीद बताए गए हैं बट जो कि पहले क्रिटिकल इंजर्ड थे और उसके बाद जो है उनकी भी मृत्यु हो गई, और अजर डाइन फाफू बताए गए हैं जो कि सन ऑफ जीएच मोहम्मद फारूक, और उम्र जो है इनकी भी लगभग 21 ईयर्स जो है बताई गई है। तो बहुत ही दुखद वाकया आज ये सोपोर में पेश आया, जहां पर एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है, पर फिलहाल ये मैटर जो है फुल ऑन जो है फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में है। पता लगाया जाएगा क्या सब्सटेंस थे, क्या चीज था, पर यही बताया जा रहा है कि ये स्क्रैपिंग की डील थी, जो कि लद्दाख से माल जो है यहां पर आया था और जब इसे यहां पर उतारा जा रहा था और उस दौरान जो है ये वाकया जो है पेश आया। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, देखते रहिए।